इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी अगर आपको फ्लैश लाइट इस तरीके से नॉट अवेलेबल दिखाती है आपके रेडमी के या किसी भी फ़ोन्स के अंदर फ्लैश लाइट नॉट अवेलेबल, यहाँ पर भी इसी तरीके से दिखा रही है अभी फ़िलहाल, तो देखिए इस इशू को हम कैसे सॉल्व करें ये मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को पूरा। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर आपको देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ फ्लैश लाइटें यहाँ पर कैमरा वैमरा की परमिशन स्टार्ट रहती हैं तो वो ऑटोमेटिकली वर्क करती रहती हैं, दिखती नहीं है आपको जली हुई फ्लैश लाइट बट वो ऑटोमेटिक पहले से ही जल रही होती है। तो उसके लिए आप अपनी सेटिंग्स में जाइए और सारे प्रेफरेंसेस को एक दफ़े बंद कर लीजिए या फिर सारी ऐप्स की परमिशंस को बंद कर दीजिए, कैमरे की परमिशंस को, खाली कैमरे की परमिशंस को बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर जाइएगा और परमिशंस पे जाइएगा और कैमरे की परमिशंस यहाँ पर होंगे तो सारी एप्लीकेशंस पर बंद कर दीजिएगा इनको, जो सी भी एप्लीकेशन बंद, सब जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पर डिनेबल कर दीजिएगा जिससे, और बस कैमरे की छोड़िएगा, ठीक है, कैमरे की भी मत छोड़िएगा, कैमरे की भी यहाँ से बंद कर दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपकी जो फ्लैश लाइट है वो चांसेस होते हैं कि जल जाए, और अपने यहाँ पर जाकर सिस्टम में जाकर अपडेट कर लीजिएगा अपने फ़ोन को एक दफ़े, कि क्या पता किसी तरीके से भी इशू आ रहे हो तो अपडेट कर लीजिएगा अपने फ़ोन को, फ़ोन अबाउट वगैरह में जाकर, यहीं पर अबाउट फ़ोन में जाकर अपने इसको अपडेट करके देख लीजिएगा कि आपका अगर वर्जन थोड़ा सा नीचे होगा तो उसमें दिक्कत हो जाती है, तो अपडेट कर दे देख लीजिएगा क्या पता अपडेट मिल जाए और उसके उसके लिए ही आपका ये इशू आ रहा हो, बट यहाँ पर अपडेट आ ही नहीं रहा हमारा। और फिर अपने फ़ोन को बस एक दफ़ा बंद करके खोल लेना है और जो इशू आपको देखने को मिल रहा होगा फिर वो देखने को नहीं मिलेगा, सारी कैमरे की परमिशंस बंद करके, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई सी एप्लीकेशन वर्क कर रही हो, क्योंकि इशू कर जाती हैं बहुत सारी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी बहुत लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो उससे वो ऑटोमेटिकली उसकी परमिशन लेकर स्टार्ट हो जाती है, तब भी इशू। और अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो गाइस देखे ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्लैश लाइट अगर हार्डवेयर से ख़राब है तो वो आपको उसे रिपेयर ही करवाना पड़ेगा। तो ये इसका प्रोसेस रहता है, इसका इस तरीके से ही आप ठीक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।